बाजार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको दिखेगा विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स किस तरह से बढ़ने के संकेत दे रहा है, ये बता रहा है कि कमजोरी पड़ सकती है। 12% से ज्यादा विक्स चढ़ता हुआ एक ही चीज है इस बाजार में मेटल इंडेक्स के अलावा जो बढ़ रही है, जो आप आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं वो है विक्स। तो ये है आपके लिए अब तक का बाजार का हाल। निफ्टी इंट्राडे में 14,700 के नीचे भी लुढ़का है, उसके आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिखा है। 14 दिनों के निचले स्तरों पर सेंसेक्स 4 डिजिट में गिरता हुआ और 50,000 के नीचे आता हुआ सेंसेक्स। सिर्फ एक मेटल्स है जो मजबूत है, इसके अलावा सब कुछ खराब, सब कुछ कमजोर। डाउ फीचर्स 200 के नीचे, तो जाहिर सी बात है कुछ तो हम पहले से कमजोर थे और ऊपर से डाउ फीचर्स की कमजोरी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो यूरोप के बाजार भी इसी वजह से 1% कमजोर आपको नजर आएंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी माहौल खराब है थोड़ा कमजोरी का, लेकिन बात वहाँ और हमारे में फर्क है। 14,531 का हाई बनाकर हम यहाँ पर 14,700 के आसपास है जी। 15,431 मान ले, 15,400 से 14,700 यानी कि 300-400-700 पॉइंट नीचे, लेकिन डाउ तो फ्राइडे को ही लाइफ हाई पे पहुंचा है, तो वो उतने कमजोर नहीं, ये कमजोरी हमारी अपनी ज्यादा है। बिल्कुल, हमारी थोड़ी इंपोर्टेंट कमजोरी ज्यादा दिख रही है सर। बट सवाल यही बनता है सर कि गिरावट आई और आज पहली बार पिछले 2 हफ्तों में बड़ी गिरावट आई, नहीं तो जब भी गिरावट आती थी इतनी बड़ी नहीं आती, थोड़ा थोड़ा करके आती, 0.5% उससे मे भी थोड़ा ज्यादा। पर अभी भी मैं कुछ लोगों से मार्केट में भी बात कर रहा था सर, पैनिक की सिचुएशन नहीं आई है, कोई भी ऐसे डर के बेच नहीं रहा है एटलीस्ट सो फार। अब यहाँ से इंटेंसिफाई हो तो पता नहीं, तो कहीं ना कहीं सबको अभी भी भरोसा है कि जो प्रीवियस बाउंस बैक हुए वो अभी भी आए। ये सिचुएशन बहुत खराब है एक्चुअली। हाँ, मैं आपको बताऊं क्यों। ऑनेस्टली कई सारे आजकल तो मार्जिन सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, ऑटोमेटिक हो गए। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होता है कि अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल है तो ब्रोकर का सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है। एक जमाना था जब फेस वैल्यू पे काम होता था, सचिन जी जानते अच्छे से कि भाई सचिन जी बोला मैं चेक भेज रहा हूँ ना, तो ब्रोकर का आ जाएगा आज नहीं तो कल आ जाएगा, वो जबान पे काम होता था और उस समय मार्जिनिंग सिस्टम इतने मजबूत नहीं थे कि भाई ठीक है चल जाता था। तब बहुत कम केसेस ऐसे होते थे कि ब्रोकर आपकी पोजीशन को फोड़ देता था कि भाई काट दो मार्जिन नहीं है, और आमतौर पर क्लाइंट झगड़ा करता था कि आपने मेरी पोजीशन कैसे भेज दी, भरोसा नहीं था। लेकिन यकीन मानिए 10 में से 9 बार जब जब ब्रोकर ने किसी क्लाइंट की पोजीशन काटी वो क्लाइंट सुखी हुआ है, दुखी नहीं हुआ जी। उसके बाद वो स्टॉक हमेशा नीचे मिला, वो उससे लिया भी नहीं जाता उसके बाद, ये भी फैक्ट है, नीचे भी आता है। तो इसलिए अगर आपकी पोजीशन तेज गिरावट में कट जाए मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से, वो तकलीफ एक ही बार की छोटी है। जब मार्केट इस तरह से धीमे 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 सरकता है ना, तब आपके लिए कॉल लेकर निकल पाना पोजीशन से और ज्यादा मुश्किल काम करे, ये ज्यादा तकलीफ वाली चीज है कि मतलब थप्पड़ भी बढ़ रही है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, वैसा वाला मामला है। सही बात है ना, अकेले लग रहा है नहीं बस धीरे से तो मारिए, धीरे से तो मारिए, धीरे धीरे करके 10 मार दी है ना, और एक जोर से लगे करेक्ट है। अब वो आपको उसमें कौन सा आपको ज्यादा बेहतर लगता है, तो मुझे लगता है ये वाला मामला ज्यादा रिस्की, एक खा के खत्म करो वो ठीक है। तो ये इसमें ना आप उम्मीद में खड़े रह जाते हैं जी, और उस उम्मीद में जो मार्क टू मार्केट लॉस या नुकसान या फिर जब फाइनली जब कटेगी जब बॉटम बनेगा वो चीज बड़ी और बड़ा वो बड़ा कट होता है। फिर वो होता है कि जहां आप कटती वहीं से रिवर्स होता है। सो आप जो कह रहे हैं कि अब तक पैनिक नहीं है, ये बात सही है, पैनिक होगा जब कटेगी तो शायद वहां से रिवर्स भी होगा। लेकिन समाओ दो चीज दिख रही है दीप, एक निफ्टी में हम नजदीक है जी, जहां से करेक्शन खत्म होना चाहिए 14,650 के आसपास, 5-25 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा 35,750 के नीचे आज जो हम बंद देंगे जिसकी संभावना पूरी दिख रही है, वहां मुझे थोड़ी सी रिस्क खुलती हुई दिख रही है। अच्छा। तो बैंक निफ्टी में शायद अभी भी हम बॉटम के नजदीक नहीं पहुंचे, इस करेक्शन के बॉटम के जी, और लेकिन निफ्टी में शायद हम पहुंच जाए। तो मेरा ये समझना कि अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को और मजबूत कर लेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे खींच कर लाएगा। 35,200 आज का आखिरी सपोर्ट लेवल था, उसके करीब पहुंच गए बैंक निफ्टी पर, 35,222 का लो है। निफ्टी तो खैर 800 के नीचे आई गया तो और भी कमजोर हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि शायद करेक्शन भी, शायद लगा रहा हूँ पहले मैं, हाँ ये ध्यान रखिए शायद लगा के बोल रहा हूँ, तो शायद करेक्शन भी पहले निफ्टी खत्म करेगा और फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी में करेक्शन शायद थोड़ा सा लेट खत्म हो और बैंक निफ्टी बाद में ऊपर आए, ये हो सकता है शायद। या फिर बैंक निफ्टी चूंकि आमतौर पर माना जाता है गिरने बढ़ने में आगे, लेकिन इस बार गिरा बाद में है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है करेक्शन भी बाद में पूरा कंप्लीट करे, तो थोड़ी जगह बैंक निफ्टी में हो सकती है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि आज की गिरावट, विक्स बढ़ना,
ये संकेत इस बात की ओर दे रहा है कि आपकी एक्सपायरी स्मूथ नहीं है। वो तो है सर। और सुबह हम ये बात करते थे कि जनरली मंथली एक्सपायरी के जो हफ्ते में आप जाते हैं पहले दिन जो ट्रेंड होता है वो 5 में से 3 या 4 दिन तो कम से कम रहता ही है, तो एक आध आपको जो उछाल मिलेगा जब मिलेगा उसमें हल्का होना है, उसमें हल्का होना 14%।